गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर एसएसटी टीचर। तो आज हम हमारा लेसन नंबर 6 करेंगे, इसकी रिवीजन करेंगे। तो इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं हम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पेनिनसुला। ठीक है, ये क्वेश्चन है, व्हाट इज पेनिनसुला। तो कहते हैं पेनिनसुला क्या होता है। पेनिनसुला होता है एक वाटर बॉडी होती है, एक अर्थ का पीस जो 3 साइड से कवर हो, उसे पेनिनसुला बोलते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल में भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारा मैप है। ठीक है, ये हमारा मैप है। तो इस पर क्या है, तो इस पर पूरा का पूरा इंडिया बना हुआ है इस मैप पे। तो ये इंडिया का मैप है, ये 1 साइड हो गया, ये 2 साइड हो गया, ये 3 साइड हो गया। ये 3 साइड से पानी से कवर है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। समझ लगी, क्या बोलते हैं, पेनिनसुला बोलते हैं। उसके बाद ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसके बारे में, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज चैनल। तो क्या है चैनल, कहते हैं अ लॉन्ग चैनल का मतलब नहर होता है। तो अ लॉन्ग नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर, तो एक स्ट्रेच होती है लॉन्ग, है ना, नैरो, जो एक खाई की तरह होती है जिससे पानी किसी एक दिशा में खींचा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, नहर बोलते हैं, भेजा जाता है, तो उसे नहर बोलते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द आइलैंड। आइलैंड क्या होता है, आइलैंड इज़ द प्लेस विच इज़ कवर्ड बाई वाटर बॉडी ऑन 4 साइड कॉल्ड आइलैंड। ठीक है, तो ये देखिए, तो हम आइलैंड के बारे में करेंगे, तो हमारे इससे 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो ये हमारे कुछ क्या पाए जाते हैं, हमारे देश में कुछ आइलैंड ग्रुप, 2 मेन आइलैंड ग्रुप पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, ठीक है, लक्षद्वीप। ये आपको छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इनकी लगभग संख्या कितनी है, 300 है। ठीक है, 300 है। तो ये क्या है, आइलैंड ग्रुप है। क्या है, आइलैंड ग्रुप। ठीक है, ये लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है, क्योंकि ये पूरे का पूरा, आई शो यू, ये देखिए, ये बिंदु है। ठीक है, ये एक आइलैंड ग्रुप है। तो ये चारों तरफ से पानी से कवर है, यहाँ पर या शिप से पहुँचा जाता है या बाय एयर पहुँचा जाता है, तो इसे आइलैंड बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। 2 आइलैंड ग्रुप, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, ये क्या है, ये लक्षद्वीप है। ये कौन सा आइलैंड ग्रुप है, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये क्या है, अंडेमान निकोबार। वैसे तो आइलैंड्स और भी हैं हमारे यहाँ, लेकिन ये मेन है। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडेमान निकोबार आइलैंड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑन द नोट ऑन अ चिल्का लेक। चिल्का लेक क्या है, चिल्का लेक आर इंडियाज लार्जेस्ट लगून इन ओडिशा, लाइज इन दिस कोस्टल प्लेन्स। तो जो इंडिया कोस्टल प्लेन्स में एक लेक पाई जाती है, उसे चिल्का लेक बोलते हैं, जो सबसे हम कह सकते हैं बड़ी है, बड़ी लेक है। तो ये उड़ीसा देख रहे हैं ना, उड़ीसा, तो ये हमारा उड़ीसा में जो लगून है, लगून क्या होता है, जो अंदर की तरफ ना वाटर बॉडी होती है, उसे लगून बोलते हैं। ये कौन सी लेक है, यहाँ पर ये चिल्का लेक है। ठीक है, होप आपको समझ आ रहा होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मेन रिवर ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया के मेन रिवर्स हैं, उनके नाम लिखने हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी। तो यहाँ पे भी दिखाई देती है, पर इस मैप पे दिखाई नहीं दे रही, किसी और मैप पे है, लेकिन तो जो मेन रिवर है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी। विच आर द मेन स्टेट्स ऑफ कोस्टल प्लेन्स, कि मेन कोस्टल प्लेन्स हैं, उनकी मेन स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ, प्रैक्टिकल में है, यहाँ है कोस्ट, आपको पता ही है समुद्र के किनारे के एरिया को क्या बोलते हैं, कोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोस्ट बोलते हैं। तो हम देखेंगे कोस्टल प्लेन्स में कौन कौन सी स्टेट आती हैं। ये है, ये एरिया पूरे का पूरा कोस्ट है, ये ईस्ट की तरफ है, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो ये
वेस्टर्न कोस्टल प्लान से। तो इस तरफ कौन सी आती है, उड़ीसा आती है, आंध्र आती है, तमिलनाडु आती है। तो इस साइड क्या है, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एंड ये देखिए गुजरात भी कोस्टल एरिया में ही आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,